अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल और आप सब देख रहे हैं क्रिक इनसाइड विद डॉक्टर मोहम्मद अशफाक। और आज मेरे साथ हैं डॉक्टर सोबिया। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम ही इज जॉइनिंग अस, सो वेलकम डॉक्टर सोबिया। कैसी हैं आप? ठीक हैं? जल्दी से व्यूअर्स को हेलो हाय कर दें। अस्सलाम वालेकुम डियर यूट्यूब फैमिली, आज हम दोबारा आपके साथ हैं। असल में मेरे माइंड में बहुत ये क्वेश्चन रोज आ रहा है, क्यूरियोसिटी हो रही है। हाँ जी, वो इस वजह से कि मैंने पूछना ये चाह रही थी कि PSL 9 का विनर कौन होगा, बिकॉज ये वो सवाल है जो सिर्फ मैं नहीं, सारे के सारे पाकिस्तानी जानना चाह रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ओवर टू यू, प्रेडिक्ट करें कौन जीत रहा है PSL 9। जी बिल्कुल, आज की ये वीडियो बनाने का मकसद ही है कि आज हम करने जा रहे हैं प्रिडिक्शन ना सिर्फ फाइनल की, बल्कि आपको पता है इस PSL सीजन 9 में होने जा रहे हैं 3 प्लेऑफ, तो तीनों प्लेऑफ को भी हम प्रिडिक्ट करेंगे और फाइनल को भी प्रिडिक्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो खैर, जो डॉक्टर साहबा की फरमाइश है या आप सबकी फरमाइश है उसका हम आंसर करते हैं, थोड़ा सी देर आप सब्र कर जाएं, ज़रूर जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि आज तमाम PSL की टीम्स आई हैं जी पिंडी इस्लामाबाद में, और बड़ा ही रोमांटिक किस्म का वेलकम कर दिया है हमारी सिटी ने तमाम टीमों को। बारिश होगी जनाब, दो मैचेस होने थे, पेशावर वर्सेस लाहौर एंड उसके बाद इस्लामाबाद वर्सेस कोयटा होना था, तो बोथ द मैचेस आर अबेंडेंट विदाउट अ बॉल बोल्ड। तो तमाम टीमों को एक एक पॉइंट मिल चुका है, पॉइंट्स टेबल की पोजीशन अभी तक बदस्तूर वही जा रही है। मुल्तान सुल्तान लीड कर रहे हैं और नीचे से लीड कर रही है, मतलब बॉटम पे है इस टाइम लाहौर कलंदर। आज उनको एक पॉइंट मिल गया है, तो चलें जी, उनके लिए थोड़ी सी अच्छी बात ये होगी है कि मैच हारने से बेहतर था एक पॉइंट ले लें, तो उनको एक पॉइंट मिल गया जी। अब आते हैं डॉक्टर साहिबा की फरमाइश की तरफ, तो हम चलते हैं प्लेऑफ से। तो पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन भी अभी यही बता रही है कि पहला प्लेऑफ खेला जाएगा मुल्तान वर्सेस कोयटा, और मेरी प्रिडिक्शन भी यही है कि जो प्लेऑफ वन होगा वो मुल्तान वर्सेस कोयटा होगा, जो मुल्तान जीतकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। प्लेऑफ टू खेला जाएगा पेशावर वर्सेस इस्लामाबाद, अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि पेशावर इस्लामाबाद को हरा कर प्लेऑफ थ्री के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। इसी तरह फिर होगा कांटेदार मुकाबला कोयटा वर्सेस पेशावर का, जो कि पेशावर जीतेगी और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। तो इस PSL सीजन 9 का फाइनल खेला जाएगा फाइनली मुल्तान वर्सेस पेशावर जालमी, मतलब बाबर वर्सेस रिजवान, जो हमारी T20 की आपको पता है बड़ी ही मशहूर ओपनिंग जोड़ी है। तो ये PSL 9 भी इन्हीं दोनों के दरमियान खेला जाएगा, और इस दफ़ा के फातह करार पाएगी मुल्तान सुल्तान, मुझे ये लगता है जनाब, क्योंकि मुल्तान सुल्तान दो दफ़ा फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, उनकी एक हिस्ट्री है, बड़ी स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं, और इस दफ़ा टीम भी बड़ी टच में नज़र आ रही है। तो मेरी नज़र में फाइनल जीतेगा मुल्तान, आल्दो बहुत से लोगों की ख्वाहिश होगी कि पेशावर जीत जाए, जैसे कि डॉक्टर साहबा की भी होगी, लेकिन ये है कि ऑन पेपर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मुल्तान सुल्तान का पलड़ा थोड़ा सा भारी रहेगा। तो ये रही जनाब मेरी प्रिडिक्शन, आप बताएं डॉक्टर साहब आपकी क्या प्रिडिक्शन? सर मेरी प्रिडिक्शन कोई भी नहीं है, मेरी से विश है, बिकॉज आई विश कि मेरी फेवरेट टीम जीते। आपको पता है मेरी फेवरेट टीम पेशावर जालमी है, बट आई विश बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द टीम्स एंड लेट्स सी, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, जो और जो जीता वही सिकंदर। जी बिल्कुल, तो फिर आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी फेवरेट टीम्स कौन सी हैं और आप क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं इस PSL सीजन 9 को देखते हुए, कौन सी टीम फाइनल की ज़्यादा हकदार है। तो हमें वेट रहेगा आपके कमेंट्स का, तो ज़रूर कीजिएगा डू कमेंट्स। सो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, हैव अ नाइस डे।